हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेल फैमिली। मैं हूं रूमा। अभी सुबह सुबह पार्सल से वीडियो स्टार्ट कर रही हूं, पार्सल दिखा के। और पायल देखो, ब्लिंकिट से चावल मंगाया और दो तीन आइटम मंगाया था, दही ये सब मंगाया, वो आ गया। 2 किलो चावल मंगाई ब्लिंकिट से। और अभी मोदी केयर से मैंने का जो ज़रूरी सामान है वो मंगा लिया, क्योंकि अभी हम लोग तो डिमांड नहीं जाते, इधर से ही मंगा लिया। तो साबुन जितना है ज़रूरी चीज़, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। इसका बाद नहाने का, खाना बनाने का सब कुछ बाकी है। अभी आधा काम सुबह का हो गया, आधा बाकी है। तो चलिए, आज लंच में क्या बना रही हूँ आप लोग का साथ शेयर करूँगी। अभी बना रही हूँ मैं पुलाव। पुलाव के लिए देखो, किशमिश और काजू, गरम मसाला, घी डाल के थोड़ा सा फ्राई करके ले रही हूँ। देखो रेडी, तो लंच रेडी, पुलाव। और इधर सोयाबीन सब्जी, सोयाबीन बटाटा का सब्जी, एकदम कलर कितना अच्छा आया। इधर रायता बनाया, तो आज का लंच का मेन्यू यही है। आज का आसमान देखो, शाम का टाइम अभी 6 बज गया, तो मैं सत्संग से आ गई और आसमान इतना अच्छा लग रहा है ना, एक साइड पे पूरा लाल हो गया और एक साइड पे देखो पूरा एकदम बादल ऐसा वाइट कलर का पूरा। देखो, देखने में ऐसा लगता है पूरा ड्राइंग किया हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आप लोग का साथ शेयर किया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी रात को 10 बज गया, पायल और उसका पापा का खाते हो गया, रूपम और मैं दोनों खा रही हूँ। दोपहर का पुलाव और सोयाबीन का सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, अच्छा था। वेज के ऊपर ही था लेकिन बहुत अच्छा बना था। और सत्संग जाके आई, आके अगरबत्ती सब लगाई थी, माला जप रही थी। अभी खाना खा के फिर अभी भी माला जपना है, तो चलिए फटाफट खाना खाने के बाद बर्तन भी घिसना है, तो चलिए। अभी हम लोग को खाना खा के हो गया। खाना खाने के बाद सब बर्तन देखो, इधर सब बर्तन घिस के मोड़ी सब क्लीन करके रख दिया। किचन का जितना काम वो सब हो गया। और ये फ्रिज खराब होने का एक बहुत बड़ा मुसीबत है, क्योंकि देखो फ्रिज खराब है करके दूध को गर्म करके करके रख रही हूँ, क्योंकि नहीं तो खराब हो जाएगा। रात को भी गर्म करके एक बार रखने पड़ेगा, नहीं तो सुबह उठ के देखेगा दूध खराब हो गया। तो इसके लिए अभी गर्म करके रखी, शाम को एक बार गर्म किया, अभी एक बार गर्म करके रखना चाहिए, इसके लिए रखी। और सच्ची में घर में जो चीज़ अपना यूज़ करता है, आदत हो गया, वो चीज़ अगर नहीं रहेगा घर में ना, बहुत बड़ा मुसीबत होता है। ऐसा लगता है वो सब कुछ अंधेरा है। देखो जैसा फ्रिज जिसका नहीं है वो भी चला रहा है, ऐसा चल जाता है। उन लोग का भी बोलेगा तो कभी यूज नहीं किया होएगा, तो उन लोग को ऐसे चल जाता है बिना फ्रिज का। कि गांव में भी कितना जन का भी फ्रिज नहीं है, तो पहला हम लोगों भी नहीं था, लेकिन सब कुछ ऐसा चल जाता था। अभी देखो फ्रिज जितना दिन से यूज़ करिए, अभी देख तो 2-3 दिन से फ्रिज नहीं है, ऐसा लगता है सब चीज़ कौन सा भी चीज़ कैसा रखूँ। अभी इधर देखो सब्जी सब लेके आया मेरा हस्बैंड ने, ये सब सब्जी बाहर ही ऐसा ही रख दिया, क्या करूँ। अभी बाहर भी टोकरी में सब कुछ रखा है। आज देखो टमाटर लेके आया, कच्चा केला लेके आया, परवल, भोबला, पपैया सब लेके आया। और ये सब चीज़ अगर मैं इधर इसमें फ्रिज में नहीं रखेंगे तो सब खराब हो जाएगा, क्या करूँ। अभी लेके आया तो बाहर ही रखना पड़ेगा, फ्रिज तो ऐसा ही है। इतना सारा सब्जी सब लेके आया अभी, तो ना थोड़ी खुला रहती थी, मुँह गुलो सब खुला आज, तो खराब हो जाने का चांसेस है। इसके लिए सब देखो थैली में एक एक करके सब निकाल के तो भी रखना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। और भोबला देखो कितना अच्छा भोबला लेके आया, एकदम लाल जैसा। ये फ्राई करने का ना बहुत अच्छा लगता है खाने को, फ्राई करके। और इसका भजिया बनाएगा, बेसन से भजिया बनाएगा तो भी टेस्ट लगता है, और चना डाल के सब्जी बनाएगा तो भी बहुत टेस्ट लगता है। कितना लाल देखो ना, कितना अच्छा है। और परवल ये सब पूरा सब कुछ इधर ही रखा, अभी क्या करूँ। तो फिज का तो अभी कभी ठीक होएगा पता नहीं है, बाहर भी सब रखा है।
मेरा हस्बैंड के लिए अभी दूध लेके जा रही हूँ, गर्म किया तो थोड़ा एक कप देती है गरम गरम, पिएगा। मेरा माला जपने का है, अभी भी थोड़ा बाकी है, वो नहीं हुआ तो अभी बैठेगी माला जपने के लिए। और पायल और रूपम जाएगा, मेरा देवर का लड़का का बर्थडे है तो 12 बजे केक करने का है, इसके लिए उन लोग जाएगा तो थोड़ा सा वीडियो निकल के लेके आएगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं भी जाती थी, 3 जन स्कूटी में जाने को होएगा नहीं, इसके लिए पायल और रूपम ही जा रहा है तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर कपड़ा चेंज करो जाने का, घंटा लगा है। अभी सब बर्तन गिरतन सब घस के हो गया, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही हो गया वीडियो। तो फिर कल एक नया वीडियो के साथ मिलता है। और अभी रोज दामोदर महीना है, रोज सत्संग जा रही हूँ, 4 बजे से 5:30 बजे तक है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना, रोज सत्संग में जा रही हूँ, सुबह सुबह काम करके फटाफट खाना पीना खा के सत्संग जा रही हूँ तो इतना मजा आता है ना। और दामोदर महीने में जो जो अपना व्यूअर्स जो जो अभी तक दामोदर महीना पालन नहीं करते हो, अगर खाने का आप लोग पालन नहीं कर सकते तो ज़रूर दिया, मिट्टी का जो दिया है वो शाम का टाइम और सुबह का टाइम गोपाल को दिखा के आरती करके तो भगवान का सामने दिया जलाने का। तो ये दामोदर महीना में अगर आप दिया जलाएगा ना भगवान का सामने आरती करके तो बहुत आप लोग को ऐसा पुण्यों का फल मिलता है, जो अपन किधर बोलेगा तो सब जगह पे तीर्थस्थान करके पुण्य नहीं मिलता है। ये एक महीना आप लोग दिया भगवान का सामने मिट्टी का दिया, तेल का या घी का कुछ भी ऐसा डाल के जलाएगा ना तो बहुत शुभ रहता है। तो जो जो लोग पता है वो लोग तो करता ही है, जिसका जिसको पता नहीं है मालूम नहीं है वो जरूर भगवान का सामने मिट्टी का दिया जलाए। दामोदर महीने के महीने में नियम सेवा मास है, दामोदर भगवान को ऐसा आरती करना चाहिए तो बहुत मजा लगता है। एक महीना माता जी का घर में जाती हूँ सत्संग के लिए, अच्छा लगता है, टाइम भी निकल जाता है। अभी देखते देखते 8 दिन हो गया, सोमवार को चालू हुआ था तो सोमवार, अभी सोमवार 8 दिन हो गया, एक महीना तक होता है। कोई कोई एकादशी से एकादशी तक करता है, कोई कोई पूर्णिमा से चालू करता है, ऐसा होता है। तो अपना जो माता जी है दीदी है तो अपना एकादशी से ही हम लोग चालू करता है, तो इसके लिए अभी हमारा घर में पूरा भेज बनता है, ऐसा भी तो भेज बनता ही है, हम लोग नॉन वेज नहीं खाती हूँ तो अभी तो एकदम प्योर भेज है ऐसा, लेकिन कितना अच्छा लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है, अच्छा लगता है। तो चलिए जिसको जिसको पता नहीं है बोल दिया वो जरूर भगवान का सामने मिट्टी का दिया जलाने का। तो चलिए टाटा बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। तो फिर एक नया वीडियो के साथ मिलता है, तब तक के लिए टाटा बाय।